नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 186 और एक्सेल के लेक्चर नंबर 58 में हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन पार्ट टू। ये वीडियो में हम तीन वैलिडेशन की बात करने वाले हैं। पहला है डेट वैलिडेशन, दूसरा है टाइम वैलिडेशन और तीसरा है टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और जो वैलिडेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो वैलिडेशन आप 2007 से लेकर 2019 हर एक्सेल में आप पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ जो हमारा डेटाबेस है वहां में मोबाइल नंबर एंटर करना है, लेकिन हम जानते हैं मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है इंडिया में। तो ये जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है कोई 9 डिजिट भी डाल सकता है, कोई 11 डिजिट भी डाल सकता है, लेकिन हमें वो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे सेल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। हम डेटा मेनू में जाएंगे, डेटा टैब में अंदर डेटा टूल्स नाम की एक पैनल दिखाई देगी, वहां पर डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन होगा। ड्रॉप डाउन पर जाओगे तो तीन ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन हम डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। अब डेटा वैलिडेशन में हमें एक विंडो मिलेगा, जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वो डायलॉग बॉक्स में तीन टैब रहेगी, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे, वहां पर अलो के अंदर हमें टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट लेंथ के अंदर डेटा की बहुत सारी पैरामीटर रहेगी, पैरामीटर यानी क्राइटेरिया रहेगा, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और नॉट बिटवीन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये सारे क्राइटेरिया आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। हम आज एक ही क्राइटेरिया के बारे में सीखेंगे, बाकी और क्राइटेरिया आप खुद से चेक कर लेना। इस सारे क्राइटेरिया में से हम इक्वल टू क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे आज, इक्वल टू। चलो इक्वल टू पर क्लिक करेंगे। इक्वल टू यानी लेंथ कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट लेंथ 10 होनी चाहिए, हम 10 लिखते हैं। 10 लिखने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। चलो आप देख रहे हो ये आप मोबाइल नंबर हम लिखने वाले हैं, हम मोबाइल नंबर लिखते हैं। चलो मैंने इस तरह से कुछ लिखा लेकिन 10 डिजिट का नहीं है, ओके प्रेस करेंगे, इस तरह से एरर आती है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन। हम अच्छी तरह से समझ भी नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। अब हम इनपुट मैसेज में चले जाएंगे, इनपुट मैसेज में शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। तो इनपुट मैसेज हमें सिलेक्ट दिखाना है कि यह इस तरह से डेटा वैलिडेशन रखा हुआ है। अगर ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप यहां लिख सकते हो इम्फो। चलो हमने लिख दिया इम्फो। इनपुट मैसेज में हम लिखेंगे ओनली 10 डिजिट अलो। चलो हमने इस तरह से लिख दिया है। फिर हम आगे चले जाएंगे, एरर अलर्ट में चले जाएंगे। एरर, अगर कोई डेटा इनकरेक्ट डेटा या तो इनवैलिड डेटा एंटर होता है तो हमें क्या करना होगा, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो इंफॉर्मेशन वार्निंग और स्टॉप। हमें स्टॉप दिखाना है, क्या देखेंगे, यहाँ पर भी हेडिंग हम स्टॉप लिखते हैं और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, ये हमने मैसेज लिख दिया है, हम ओके प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हो जैसे आप सेल में चले जाओगे, जैसे सेल सिलेक्ट करोगे नीचे एक ड्रॉ ए इंफो दिखाई देगा, सेल में चले जाओगे तो इंफो दिखाई देगा, यूजर को पता चला गया मुझे यहाँ इस तरह से एंट्री करनी है। चलो अब मैं कुछ गलत एंट्री डालता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरह से हमारी दिखाई हुई मैसेज यहाँ पर दिखेगी। रिट्राई करेंगे तो फिर से वहां चले जाएंगे, हम वही मोबाइल नंबर डाल सकेंगे जो हमने तय किया था। अगर हमने वो नहीं डाला और हमने और एक ज्यादा 11 नंबर भी डाल दिए, एंटर करेंगे ये आएगी, कैसे करोगे, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ था टेक्स्ट लेंथ। चलो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं हम, तो आज का दूसरा टॉपिक है डेट ऑफ बर्थ। हम सिलेक्ट करेंगे डेटा मेनू में, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, वहां हम सिलेक्ट कर लेंगे डेट। चलो डेट सिलेक्ट कर दिए, लेकिन हम यहाँ क्राइटेरिया में बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से आप कर सकते हो। समझ लो कि आज 2020 चल रही है, हमें 18 साल से अगर ज्यादा उम्र वाले जो लोग रहते हैं वही एंटर कर पाए, इस तरह से अगर करना हो अप्रोक्सीमेट उस तरह से चलना हो तो हम 2002 की चलेंगे, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हम ले लेंगे। क्या
हम लिखेंगे 01012002, ओके प्रेस करेंगे। यहां फिर हम राइट क्लिक सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, वहां डेट और इस तरह से DDMM YY YY फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। 1/1/2000 नॉट वैलिड, वह नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्राइटेरिया में डाला था कि 2002 से आगे वाली ही डेट यहाँ एक्सेप्टेड है। तो इस तरह से डेट एंट्री भी आप सेट कर सकते हो। एंट्री टाइम, चलो एंट्री टाइम में राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाओ, टाइम में जाने के बाद इस तरह से 24 आवर्स वाला टाइम हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। अब डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, वह हम टाइम सिलेक्ट करते हैं। टाइम में भी हम ऐसा करना चाहते हैं कि एंट्री टाइम 7 से 9 बजे तक का होना चाहिए। 7 बजे से पहले आने वाले को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और 9 बजे के बाद आने वाले लोगों को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इस तरह से अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, हम बिटवीन सिलेक्ट करते हैं। स्टार्ट टाइम हम लिखेंगे 7 बजे का, 0700, और एंड टाइम लिखेंगे हम 9 बजे का, 4 है। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट वाली तो आपको पता ही है, आप इस तरह से एरर मैसेज और रख सकते हो, यहां से निकाल देंगे तो नहीं दिखाई देगा। चलो अब हम लिखते हैं 6:49, नॉट वैलिड, इस तरह से एरर आएगी। मैं 7 बजे के बाद का टाइम कोई भी टाइम लिख सकता हूं, वो अलो होगा इस तरह से, ठीक है, लेकिन 9 बजे के बाद का टाइम अलो नहीं होगा। तो इस तरह से आप डेट टाइम और टेक्स्ट लेंथ जो डेटा वैलिडेशन है इनका यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स अब डेटा वैलिडेशन का पार्ट 3 एक शेष बचा हुआ है, वो है कस्टम। कस्टम में आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो किस तरह से हम फॉर्मूला के अंदर डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे वो हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो चलो फ्रेंड आगे मिलेंगे। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास, गुड बाय।